कभी बना रही है क्या भी शॉल, हमेशा की तरह जो सब खाते हैं शौक से। और इसकी रेसिपी किचन में दामना में जा चुकी है, वहाँ पे आप लोग देख ले। हाँ ये पूछ रही थी कि मरियम आज कौन सी तैयारी, मतलब क्या बन रहा है। हाँ। ये देख रही थी कुछ चेहरे नजर आ रही है मुझे। अभी शूट होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, सामान है वो लेके आना है, तो वो आ जाएगा तो साथ में अपना रेसिपी शूट स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो आप सब बताएं, आप सबके रमजान कैसे जा रहे हैं? तो आज हम इफ्तारी में क्या क्या बना रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे, और ईद की तैयारियां भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंचेगी। और अनमोल भी रेडी है, क्योंकि आज अनमोल और मैंने सेम सेम कपड़े पहने हुए, ये देखें। तो ये देखिए अनमोल को, अनमोल क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या खा रही, चिप्स? अनमोल इतने गुस्से में क्यों देख लिया मेरे पापा को, ऊपर देखो। अच्छा, और ये जेली, और अनमोल का ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या पहना हुआ अनमोल ने? तीज जेली खा रही है अनमोल। ओए ओए, चलो मुझे बताओ अनमोल ने क्या पहना हुआ है, दिखाओ जरा। गराड़ा पहना हुआ है ब्लैक कलर का, वाओ वाओ। तीज दिखा रही है अनमोल, तीज जेली। अनमोल सबके रोजे हैं, आप ऐसे दिखा रहे हो, चलो रखो अंदर। तो ये देखें अनमोल और मेरे सेम सेम कपड़े एक जैसे हमने आज पहने हुए हैं, ये देखें, वाओ वाओ। तो आप सब कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं आज। और वैसे भी इफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया है, तो उससे पहले हम इफ्तारी रेडी करते हैं, और आज आपसे शेयर करेंगे कि इफ्तारी में हम क्या क्या बना रहे हैं, कोई स्पेशल चीज बना रहे हैं आज। मैं देखे लाऊंगी क्या, देखे अनमोल भी साथ कहती मैं करूंगी, लेकिन अनमोल भी छोटी है, जब बड़ी होगी अनमोल सबकी हेल्प क्या करेगी, सही है? अब तो वो छोटी है, चले फिर देखती मम्मा कहाँ है, ठीक है? देखे तो आपके साथ ईद की तैयारी भी शेयर करेंगे, हम ईद की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब मुझे बताएं कि आप सब ईद की शॉपिंग कर चुके हैं, स्टार्ट हो गई होगी सबकी अब, तो आप मुझे बताएं कि मैं भी अपनी ईद की शॉपिंग आपके साथ शेयर करूं कि ना करूं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। ये देखिए तीज जा रही है, मॉल की दिखा रही है, कहते तीज बने हुए, ये देखे। तो बच्चे छोटी छोटी चीजें खा के ऐसे ना खुश हो जाते हैं। चले आप कैसे खाती है अनमोल, तीज तीज तो खा रही है, वाह वाह। तो ये देखे 5 बज चुके हैं और 1.5 घंटा रह गया इफ्तारी में, तो फिर मैं चलती हूँ नीचे किचन में और फिर रेडी करते हैं सब कुछ। तो ये देखे किचन में मैं आ चुकी हूँ, और आती है अनमोल, मुझे कह रही कि मैं हूँ झुंडा पानी दो, पानी दो, चले। तो ये देखे अनमोल अब कोशिश कर रही है पानी निकालने की, वो चलाक हो चुकी है। ये देखो यहाँ से इनमोल को देंगे ठंडा पानी, पिएगी अब ठंडा पानी। तो अब इनमोल ठंडा पानी पीना शुरू हो गई, भैया पहले इनमोल गर्म पानी पीती थी जब छोटी होती थी, इस साल इनमोल ने ठंडा पानी शुरू कर दिया। कैसा लगा पानी ठंडा? तो यहाँ बन रहे हैं फ्राइज इनमोल के लिए, और यहाँ बन रही है स्पेशल जो डिश है वो है आलू चना चाट और पकौड़ों के सैंडविच बनेंगे, और साथ ही रोल बनेंगे कैबेज रोल। आज डिफरेंट चीज बन रही है, आलू चना चाट बन रही है, ये देख रही है। चलो ये बॉइल हो चुके हैं आलू, बस कटिंग करने हैं, और यहाँ पे चाट उसकी कटिंग करनी है फ्रूट्स की। मैं ये पूछ रही थी कि मरियम आज कौन सी तैयारी, मतलब क्या बन रहा है। ये देख रही थी कुछ चेहरे नजर आ रही है मुझे, ये कैबेज रोल बनाने हैं मोमना भाभी ने। अच्छा, मैं भी आ गई हूं। अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या बन रहा है आज, आलू चना चाट सबकी फेवरेट। हाँ, अजय भाई की फरमाइश पे बन रही है आज, और साथ ही पकौड़े हैं, पकौड़े भी रेडी होंगे आज।
बस चीजों की कटिंग करनी है, बाकी सब कुछ रेडी हो जाएगा, फ्राई करने है उसके बाद बस। तो मुझे थोड़ा सा काम है बिलाल के साथ, चलें आप जाएं फिर। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी सब कुछ, मैं हेल्प करवाती हूँ, मैं तो फ्री हूँ। चलो ठीक है, आ जाइए। इसी में ना ये कटिंग कर दूंगी, मोटी मोटी काट लूंगी क्योंकि मैंने बातें भी सुनी है, मैं केले भी काटती हूँ। नहीं रहने दो। अच्छा इतने दिन से अली मांग रहे थे चना चाट, तो अब मैं आपको कर आज आप खिला रही हूँ उनको। मुझे नहीं पसंद आलू चने में केले से, कौन खाता है? पता नहीं, अली को तो बहुत पसंद है साथ इमली की चटनी, वो भी बनाई आपने? अच्छा ठीक है, पतली वाली है मेरे से। कोई नहीं, कैसे पतली सी लगती है, सूखी हो जाती है। तो आलू चना चाट रेडी हो गई है, ये देखें। तो अब मैं रेडी करती हूँ सैंडविच। सैंडविच कहाँ पे आई है, देखिए अभी मैंने इसका मैश करना है, चिकन कोरंडे को भी मैश करना है। इसको मैश करती हूँ, एक मिनट में हो जाएगा। ये फ्रिज में रख देते हैं, ये अभी इसमें दही डालनी है और साथ मिर्ची चटनी डालनी है, जो ये है वो बाद में डालेंगे, जो जो पसंद करता है चटनी या नहीं वो डालेगा। इसको मसाले, चार मसाले डालना ठीक है। और मैं बनाने लगी हूँ सैंडविच, इसके लिए मैंने अंडा बॉयल किया, अंडे को मैं कट कर लूंगा, अंडे को कट कर रही हूँ। हाँ मैंने बैटर रेडी कर दिया है सैंडविच के लिए, और इस तरफ मैंने पकौड़ों के लिए भी बैटर रेडी कर दिया है। तो सैंडविच रेडी हो चुके हैं, बस लास्ट आएगी ये कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी तेज नहीं है। चलो साइड पर रखते हैं इसको, आप किसकी तरफ आते हैं? सब कुछ तो बिल्कुल रेडी है हमारा, वो पकौड़े बनाने हैं बस, फ्राई और पकौड़े आ गए हैं। और रोल, देखिए ऑयल काफी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ फ्राई। तो हमेशा की तरह इस वाले चम्मच के साथ इतना इसको मिक्स करूंगी, तो फ्लेम अभी थोड़ा कम है, मैं इसको थोड़ा तेज करती हूँ। फ्राइज मैंने डाल दी ऑयल में, तो फ्राइज रेडी हो गई हैं, क्योंकि ये अनमोल बहुत शौक से खाती है, स्पेशल अनमोल के लिए बनते हैं, सिंपल बनते हैं, कुछ नहीं ऐड किया, कुछ मसाला नहीं मैंने, लेकिन कैचअप के साथ खाती है, वो भी शौक से खाती है, कैसे शौक से खाती है साथ। अभी बन रहे हैं, यहाँ फ्राइज बन रहे हैं, और यहाँ मूंगना अभी बना रही है, कैबेज रोल, हमेशा की तरह जो सब खाते हैं शौक से। और इसकी रेसिपी किचन में दामना में जा चुकी है, वहाँ पे आप लोग देख लें। हाँ बहुत मज़ेदार बनते हैं कैबेज रोल, मुझे बहुत पसंद है। हाँ मतलब सबकी फरमाइश बनते हैं ये कैबेज रोल। अनमोल भी आ गई है, मैं बर्तन में रख लिया। अच्छा अनमोल बर्तन रखने आई है। तो अनमोल को बर्तनों की फिक्र पड़ रही है, डेली टेबल में बर्तन रखती है। तो अब मैं फ्राई करने लगी पकौड़े, वो भी हाथ के साथ, ये देखिए। Ay, ¿cómo está la?
हूँ, ये देखिए पकौड़े फ्राई हो गए हैं, मैं निकाल रही हूँ इसको। तो सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मेरे अपने तरीके के हैं। तो मम्मी और मम्मी के अपने तरीके के होते हैं, मेरे अपने तरीके के। मेरे प्याज वाले होते हैं, मैं प्याज वाले शौक से खाती हूँ। तो अनमोल क्या कर रही है? अनमोल बर्तन ढूंढ रही है। अनमोल का डेली का काम है बर्तन लगाना। अनमोल सेटिंग कर रही है। तो रोल्स रेडी हो गए हैं, अब मोल अभी बना रही है पुदीने की चटनी जो हमें डालनी है आलू चना चाट में। तो आशा भी आ गई है यहाँ, आशा फ्रिज साफ कर रही है। कौन सा काम? तो लहंगा वाला शर्ट पर आप करने रेडी मिले। तो रोल में फ्राई करने लगी हूँ, डाल दूँ ना। देखिए पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और साथ ही मोल के फ्राइज भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ आयशा बना रही है तूत मलंगा वाला शर्बत और नॉन मिक्स कर रही है। हाँ बहुत आ सकती है मोल, हर काम में कहती है मैंने काम करना है। आप लोग कहते हैं कि हम ना नोल के साथ ना बुरा फ्लो करते हैं, बहुत इतना काम करती है उसे गुस्सा करना पड़ता है सबको। अच्छा चलो मोल बस हो गया। तो मैं फ्राई कर रही हूँ रोल, ब्रेड रोल्स। हाँ जो मम्मी भाभी ने कैबेज रोल बनाई नहीं है वो है, मैं फ्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि मम्मी भाभी चटनी बना रही है पीने की, तो फिर मैं फ्राई कर रही हूँ। बस ये साइड ये ब्राउन था ना, वो सब ब्राउन हो गया, मुझे लग रहा है निकाल लो। चल गए हैं, निकालने लगी हूँ, जल्दी 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 ये मिला करके। ऑयल निकालना था। हाँ वो अपना अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है, सिर्फ 3-4 मिनट है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना अपना 4 टेबल में चटनी भी डाल दूँ। सही है जी, सारी का डाल। हाँ जी सारी डाल दूँ। ये पुदीने की चटनी है, ये आलू चने। तो कुछ लोग पुदीना डालते हैं ऊपर कटा हुआ, तो जो शौक से खाते हैं वही डालते होंगे। मैंने मना कर दिया था आपको। मैंने काट के रखा तो आज जबरदस्त डिफरेंट रेडी हुई है, बहुत दिनों बाद के बहुत देर बाद मैंने बनाई थी। इस रमजान में हमने अभी तक नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई है। पिछले रमजान में आपने रेसिपी बनाई थी, वही हम सब ने खाई थी। चले आ जाएं आप फीटर में शरबत पियोगे। तो यहाँ बन रहा है मम्मा भाभी बना रही है जूस सोडा खाली के लिए। मैंने तो पीना छोड़ दिया, मेरी दाल में पेन बहुत है, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, रेशा हो जाता दाल में। मैं भी वो इसलिए नहीं पीती, रेशा हो जाता है। चलो बन गया डोल के अंदर ही बन गया, स्टील में मजा आता है पीने का। अली को स्टील में बनाने का शौक है बस। हाँ किया।
अमोल आपने तो फ्राइज खाने थे, रोल क्यों खा रही हैं, क्या हुआ? हाँ अमोल को अच्छा लग रहा है। कौन सा रोल खा रही हो? कैबिश रोल। चाइनीज रोल। चाइनीज रोल खा रही है। किसके पीस है? तो अफ्तारी हमने कर लिया है, अब अफ्तारी के बाद डेली आमना अपने शूट के लिए आती है। ये देखें आमना आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम है आपका लाइफ विद मरियम में, और मैं आ चुकी हूँ। और मरियम इस टाइम आप कौन सी वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता। इस टाइम मैं बना रही थी अफ्तारी की वीडियो जो हमने बना चुके हैं, क्योंकि अफ्तारी में आज स्पेशल चीज बनाई है, आलू चना चाट बनाई है। तो आमना के लिए भी रखी हुई है, लेकिन आमना कह रही मैंने नहीं खानी है, क्योंकि आमना नहीं खानी, क्योंकि मैं चने नहीं खा सकती। मैं नहीं खा सकती, मुझे बहुत पसंद है चना चाट। अभी शूट होने वाला, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं, सामान है वो लेके आना है, तो वो आ जाएगा तो साथ में अपना रेसिपी शूट स्टार्ट करती हूँ। तो बिलाल को कह दें ना फिर। मैंने बिलाल को कह दिया है। हाँ चलो ठीक है, बस क्योंकि हमने भी जाना है आश्रम में, जाना है अपनी, मेरी ईद की तैयारी हो रही है, कुछ मेरे मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने ले ली है, तो बिलाल के साथ मैं भी जा रही हूँ और आश्रम जा रही है। अच्छा तो अगर मुझे याद रहा तो फिर बिलाल याद करवा देगा कि आपकी रेसिपी की कुछ चीजें लेनी है। अच्छा अच्छा ठीक है जाओ मणि, उसको याद करा देना कि कुछ ऐसा सामान है जो रेसिपी का लेना है। अच्छा जल्दी जल्दी और मैं जल्दी शूट करके फिर फ्री होकर भेज जाऊँगा। चलो ठीक है, तो अफ्तारी हमने कर ली है, अब ईद की कुछ शॉपिंग करनी थी, वो मैं आशा के साथ जा रही हूँ और बिलाल के साथ। तो अब हम आए हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें लेनी थी किचन की, इम्तियाज शॉपिंग मॉल में, तो बहरे टाउन में ये नया ओपन हुआ है, तो अब हम यहाँ एंटर हो रहे हैं। तो आयशा और साहिल लाल भी हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सब्जियां लेनी थी। गोभी लेनी है, गोभी एक मिनट। कितने लेने हैं ये बताओ मुझे, थोड़ा सा ये सही है। ये डाल दो, मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए इतने प्यारे बर्तन लगे हुए हैं डिनर सेट। तो किचन में दामना की कुछ चीज़ें थी, कुछ बर्तन लेने थे आशा लाल ने, तो इसलिए हम इधर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी ईद की थोड़ी सी चीज़ें आएंगी वो मैंने ले ली हैं, और बिलाल ने कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे बाद में पता चला था कि
कि किचन विद आमना के शूट के लिए रेसिपी के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो भी ले लिए हमने, उसकी भी शॉपिंग हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि आप लोग मेरी ईद की शॉपिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वाली वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।